गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज हम निकल पड़े हैं मार्केट के लिए, तो कुछ हमें करनी थी शॉपिंग बच्चों के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और दोनों बच्चे साथ में जा रहे हैं और यहाँ पे मम्मी भी साथ में जा रही हैं। तो हम निकल पड़े हैं घर से और आप लोग फुल वीडियो देखिएगा इसको कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे हम मम्मी को भी लेकर जा रहे हैं, मम्मी साथ में बैठे हुए हैं। यहाँ पे हमने चीकी के साथ कुछ अच्छे अच्छे से रील्स बनाए और रील्स बनाने के बाद चल वहाँ पे हम रास्ते में देख रहे थे क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। उसके बाद हमने गाड़ी में डलवाया पेट्रोल, तो पेट्रोल के लिए हम यहाँ पे रुके। पेट्रोल डलवाने के बाद हम यहाँ से निकल गए और निकलने के बाद कुछ हमने देखा यहाँ पे चिक्की मेरे साथ कुछ रील्स बना रहा था, कुछ टाइम पास कर रहे थे हम बैठ के यहाँ पे। और पहुँचते पहुँचते यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम नोएडा एक्सटेंशन में पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी सर्च करनी है तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स वगैरह यहाँ पे, काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लैट्स बने हुए हैं, तो आप आएँ और देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं शूज़ लेने, तो शूज़ की शॉप पर हम मिलेंगे। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं हम। रास्ते में यहाँ पे काफ़ी लोग मैच खेल रहे थे, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी स्लो करके यहाँ पे मैच देखा और बच्चों को दिखाया कि यहाँ पे है, आप खेल सकते हो। यहाँ पे काफ़ी मतलब काफ़ी बड़ा वाला प्लेग्राउंड था, यहाँ पे आप खेल सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे शूज़ की शॉप पे। तो आप देख सकते हैं कि दिवित बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और यहाँ पे अपने शूज़ लेने के लिए वो पहुंच चुका है और वो अपनी पसंद का लेने वाला है। तो यहाँ पे काफ़ी शूज़ उसने देखे और उसे पसंद नहीं आ रहे थे, उसे चाहिए था वाइट शूज़, तो वही देख रहा था कि मुझे वाइट शूज़ मिल जाए। और यहाँ चिक्की घूम घूम के देख रहा था कि मेरे लिए क्या है, इधर उधर उठा उठा के बड़ों का शूज़ देख रहा था, वो भी ट्राई कर रहा था कि मुझे ये लेना है वो लेना है, तो मुझे इशारा करके बता रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने दिवित को काफ़ी सारे शूज़ ट्राई कराए और यहाँ पे मैं चिक्की को पकड़ रही थी कि वो क्या टच कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसके पीछे पीछे मैं भाग रही थी। और इसको मार्केट लेकर जाओ तो ये बहुत तंग करता है, तो यहाँ पर इसके पापा और दिवित दोनों यहाँ पे शूज़ ट्राई कर रहे थे। तो यहाँ पे दिवित को शूज़ ट्राई करा रहे थे यहाँ पे, तो उसे ये वाला शूज़ पसंद नहीं आया और फाइनली जब उसे दूसरा शूज़ दिया तो उसे पसंद आ गया। तो यहाँ पे हमने शूज़ लिया और शूज़ लेने के बाद यहाँ से हम निकल गए और यहाँ पे चिक्की का एक न्यू फ्रेंड्स बना। चिक्की ने उसके साथ प्ले किया और प्ले करने के बाद हम वहाँ से निकल जाएंगे शॉप से बाहर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों फ्रेंड्स बन चुके हैं और काफ़ी खुश था चिक्की, और वो जो फ्रेंड्स बना हुआ था उसे छोड़ नहीं रहा था, बार बार उसे पकड़ रहा था, उसके साथ खेलना चाह रहा था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके बाद हमें जोरों से लगी भूख, हम आ गए हल्दी हीरा स्वीट्स में हमने खाया डोसा। खाने के बाद हम उसके बाद आ गए घर। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।